गीता का ज्ञान दिलाने के बाद, पांडवों को जिताने के बाद, जरासंध के वध के बाद, शिशुपाल के अहंकार के उच्छेदन के बाद, पूरी पृथ्वी को सम्मोहित करने के बाद द्वारिकाधीश कृष्ण गोकुल पहुंचे तीज के मेले में। किसी ने माता राधा से कहा कि कन्हैया आया है, तो उन्होंने कहा आया है, वर्षों से सुनती हूं आया है। लोग कहते हैं पूरी प्रकृति में समाया है, बाह भर में समा जाएगा, उस दिन समझ लूंगी कि आया है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बोलते हो आप, अब कविता उतर रही है, क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो। किसी ने कृष्ण से कहा कि राधा आएंगी नहीं, वहां बैठी है प्रतीक्षा करती है। तो कन्हैया अपना सारा स्वाभिमान एक तरफ रखकर, अपनी सेना को एक तरफ रखकर अकेले गए। उन्होंने राधा से कहा, राधे मैं कन्हैया। तो राधा ने प्रेम से उनके सिर के ऊपर हाथ फिराया तो उसे लगा कि मोर पंख आएगा, लेकिन उनकी अंगुलियों की पोर छिल गई, क्योंकि मोर पंख की जगह एक सोने का मुकुट था जिसके शीशे निकले हुए थे, खांचे निकले हुए थे, उनके अंदर से आह निकल गया। फिर उन्होंने उनके ऊपर हाथ फिराया, सोचा उत्तरीय होगा, पीतांबर होगा, लेकिन हाथ फिराया तो देखा कि मोटी मोटी सोने की और हीरों की मालाएं थी, उनकी हथेलियां छिल गई। फिर उन्होंने उनके हाथ पकड़े, सोचा इसमें बांसुरी होगी, तो बांसुरी तो थी नहीं, सीधे हाथ की सबसे उंगली में, इस तर्जनी में सुदर्शन चक्र लगातार रखने के कारण गड्ढे पड़े होने का संकेत दिखाई दिया। कृष्ण ने कहा, राधा मैं तेरा कान्हा। तो उन्होंने कहा, मेरी आंख खराब हो गई है, लेकिन मैंने हाथ में तुम्हें टटोल कर देखा है, तुम मेरे कान्हा तो नहीं हो। इस पृथ्वी के मधुसूदन हो, द्वारिकाधीश हो, कृष्ण हो, योगेश्वर हो, गीता ज्ञान से मेरे कान्हा तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप, भारत के दूसरे कोने से आए हुए इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़को, एक बात बोल रहा हूं आंसू से भरकर गला, ठीक लगे तो बताना कि कविता सुन रहे हो। कृष्ण जब तक गोकुल में रहे तब तक बांसुरी बजाई, और द्वारिकाधीश हो गए तो केवल चक्र उठाया। दुनिया के हर कृष्ण की यह बाध्यता है कि अगर उसे द्वारिकाधीश बनना है तो उसे अपनी बांसुरी, अपनी राधा को पीछे छोड़कर आना ही। क्या बात है, क्या बोला है, क्या बोला है। कृष्ण ने कहा कि क्या करूं, बोले गीत सुनाते हो, गीता सुनाते हो, सुनाओ पूरी दुनिया को। कृष्ण ने पहला वाक्य बोला कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक चक्र उठाऊं। गोकुल छूटा बंसी छूटी, कब तक। एक पंक्ति मैंने पढ़ दी है, राम नवमी है, कलेजे के अंदर तक पहुंच जाए तो ऐसा ही आशीर्वाद देना। मैं उन आंखों को देख रहा हूं जो भीग गई है, यही पारितोषिक है कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर मेरी तारीता, कब तक गाऊं गीता। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर मेरी तारीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। तालियां। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत। पैदा हुआ बच्चा और आपने अपनी अपेक्षाएं उस पर लाद दी। यहां बैठे माँ बापों से कहना चाहता हूं, जिस 10 साल 11 साल के बच्चे को दोस्तों के सामने बुला के आप कहते हो हमारा चिंटू हर क्लास में फर्स्ट आता है,
आप तो कह के निबट जाते हो, आप उस पर कितनी अपेक्षाओं का बोझ लाद देते हो कि मम्मी पापा को लगता है, और ये जो बच्चे बैठे हैं इनके पेरेंट्स सुनते हो, अभिभावक सुनते हो, तुम चाहते हो कि ये भावुक बने आईआईटी बनने के करने के बाद, आईएएस बनने के बाद। नौवीं क्लास में जिस बच्चे को आप सीकर छोड़ गए और शनिवार की रात माँ फोन करती है तो ये नहीं पूछती कि खाना कैसा खा रहा है, ये पूछती है पिछले हफ्ते केमिस्ट्री में नंबर कम आए थे बेटा, इस हफ्ते कैसे आए। जिसको इतना अकेला कर दोगे वो तुम्हें कैसे जोड़ेगा, परिवार को कैसे। क्या बात है, क्या अच्छी बात कही है। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कन्हैया का बचपन देखिए, बचपन से बता दिया उतना से मत मिल, इससे मत मिल, निवेदन करता हूँ कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसे आनी जानी, अधरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उसका तो कष्ट समझो कोई, उससे तो पूछो कन्हैया से कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसे आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। एक पंक्ति कवि सम्मेलनों के शुरुआती मित्र सुरेंद्र यादवेंद्र जी को समर्पित करता हूँ, अपने छोटे भाई रमेश को और दिनेश को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। अधर मधुर देखे सबने पर, भैया वैनिटी बहुत अच्छी ली है, भैया आप चार्टर ले लो अपना, ये सब बोलते हैं मुझसे, अरे भाई सब क्या जहाज में जाना, 100 करोड़ का आएगा ले लो। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, उछल जाओगे इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये बंद सुनिएगा। दो माओ ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। पंक्ति आ रही है, संभालो सीकर वालों। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। अगली पंक्ति पर ये जो महिलाएं बैठी हैं इनका आशीर्वाद चाहता हूं। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जब कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए तो क्या कर रहे थे, तब भी आपका आनंद कर रहे थे, बच्चों की तो सबकी गेंद गई थी ना, बच्चे तो 50 खेल रहे थे, कृष्ण ही क्यों ले गया। अगर आपको नायक बनना है और दुनिया का कोई दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट संगठन या दुष्ट राज्य लोगों के आनंद का अपहरण कर ले और आप नायक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मनोरंजन को वापस लाएं और उस दुष्ट कालिया की छाती पर, उसके फन पर अपना नर्तन करें, उसके नृत्य पर। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, ये पंक्ति सुनना। जग चाहे जाते जाते भी मुरली मधुर सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब हाथ लगे, कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक बंद पढ़ रहा हूं, अगर यहाँ एक सांचे के अंदर पत्थर रखा होगा तभी चुप रहोगे, वरना रो भी पड़ोगे, जिंदगी भर याद भी रखोगे। क्या बात, अच्छी अब। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए,
लाइन आ रही भाई। आपके नाम से लोग क्या क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार कितना काम करते हैं, है ना। हमारे फूफा जी विधायक हैं, हमारे चाचा जी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मेरे जो है वो दामाद साहब फला है। लेकिन अगर भगवान ना करे आप किसी कष्ट में फंस जाओ, हम तो पहले ही कह रहे थे बेईमान है सबके सब। अब पंक्ति सुनना, लाइन आ रही है और मैं इसको गाते हुए रोता हूँ, आप सुनते हुए रो पड़ो तो सार्थक हो जाए। सुना कन्हैया क्या कह रहा है, मेरा कान्हा रामनवमी के दिन उछालना राधा से। सुनिएगा, जग भर के अपराध सदाई, 100% रिजर्व, 400% आनंद की गारंटी दे रहा हूं। जग भर के अपराध सदाई अपने शीश उठाए गाओ, जग भर के अपराध सदाई अपने शीश उठाए। सीकर वालों लाइन आ रही है, तैयार रखना। अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। ये बात आई, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर नहीं आई आवाज, रस का माखन चोर, रस का माखन सबने चाखा, चोर हमी कहलाए। हम तो क्या करने गए थे, नौकरी छोड़ के क्या करने गए थे कभी सम्मेलन छोड़कर, कि दुनिया को उम्मीद मिलेगी, शायद नया भारत निर्मित होगा है। हमसे लोग मजाक करते हैं, दिल्ली में मिल जाते हैं, भाई साहब क्या छोड़ गए। रस का माखन सबने चाखा, चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को, फिर उछल जाओगे चोर हमें कहलाए किधर है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। क्या बात है, हाय हाय, क्या भी खड़ा किया, वाह 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 यार, एक बार ताली हाथ उठा के बजा लो यार, धन्यवाद, क्या बात है, क्या गीत है, माखन सबने चाखा, चोर भी कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। सीकर वालों मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं बाके बिहारी लाल की।